कंडीशन ज्यादा मांगा लगती है। क्या कंडीशन? मेरे को गाड़ी गिफ्ट करो। गाड़ी गिफ्ट करो? हाँ। अभी आप लोग कुछ गिफ्ट नहीं करेंगे, बस आप बस एक बार आप मैं अभी मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। आप नाम से वो गाड़ी पे दो मोबाइल गिफ्ट किया। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अभी ये सब आप लोग पहली बात तो जो वहाँ पे जो भी मीडिया में आप लोगों ने देखा, सबसे पहले तो ये जो राखी साउंड ये प्लान पूरा राखी साउंड का था, उनका क्या प्लान था कि मैं वहाँ पे आके पहले सारा सीन क्रिएट करो और सचिंदर शर्मा को थप्पड़ मारा जाए और मारने के बाद कोई रिएक्शन नहीं लेगा, मीडिया उनको फुटेज मिलेगी और बाद में कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब राखी को ये लगा कि जब उसकी दोस्त ने सारा प्लान आउट किया और जब उन्होंने सचिंदर शर्मा को मारा सारी मीडिया के सामने, आप खुद एक फोटोग्राफ देख सकते हो, इस फोटोग्राफ में राखी सावंत और वो लड़की पूरी पार्टी में इंजॉय कर रहे हैं, दोनों मस्ती कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ है जिसमें आपको सब कुछ नजारा देखने को मिलेगा। इसके बाद एक घंटे के बाद जब मीडिया में वो म्यूजिक लॉन्चिंग के जब अनाउंस करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तब राखी सावंत का हमारे पास ऐसे रिकॉर्डिंग है कि आप देखोगे जिसमें राखी सावंत मीडिया को अपने बालों के साथ इशारा कर रही है बुलाने का। जब वो बुलाती है वो लड़की को आप देखेंगे हो हो करके आती है और धड़ाधड़ इनको मारना शुरू कर देती है। तब तक तो चलो प्लान था उनका कि चलो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मारने के बाद जब राखी कहां पे बुखला गई वो बिल्कुल परेशान हो गई, बिकॉज जब राखी को ये लगा कि नहीं बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब वो लोग हार जाएंगे, उनको मतलब कि उनकी हार है, उनकी जीत है, तो प्लानिंग खत्म हो गई। तब राखी सावंत ने सीधा इल्जाम लगाया कास्टिंग काउच का, उसने बोला ये कास्टिंग काउच का मामला। आपको फाइट के आधा घंटे के बाद राखी सावंत पे जब कैमरा जाता है तब आप कहते हो कास्टिंग काउच की बात है, यानी कि सारा आपका प्लान आउट किया हुआ है। एटलीस्ट चलो आपने प्लान किया, आप एक हद तक सीमित रहो, किसी की जिंदगी बर्बाद करने का, किसी के साथ ऐसे खेलने का। सचिंदर शर्मा जी को 20 साल से मैं जानती हूँ इस लाइन में, आप लोग सब लोग जानते होंगे, ये मीडिया ने कम से कम पर माई फ्रेंड गणेश कितनी सारी फिल्में बनाई है। आज दो टके की लड़की को राखी सावंत हायर करके लेके आती है, अपने घर में ट्रेनिंग देती है और सीधे स्टेज पे लेके आती है, ये करना। अगर ये लड़की अचानक वहां पे आती और सचिंदर शर्मा को थप्पड़ खींच के मारती और ये कहती कि तुमने मुझसे कॉम्प्रोमाइज की बात की इसलिए मैं सबके सामने मार रही हूं, तो ये बात सच होती। वो लड़की कंटिन्यू एक ही बात कह रही है कि तुमने राखी का सीन काटा, राखी डॉक्टर की मुझे पता है कि राखी मेरे डॉक्टर के पास उसे पूरी बॉडी की सर्जरी करवाई है, लिपो सर्जरी, लिपो सर्जरी पूरा करवाया, पूरा फेस करवाया, सब मेरे डॉक्टर के साथ। अभी जब उसको ये पता लगता है कि राखी, मुझे पता है राखी सावंत हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन उसके लिए इसके जिम्मेदार हमारे डायरेक्टर कौन सा भी है। और मैं एक चीज और भी कहूंगी कि जिस तरह से आप लोगों ने जो रिकॉर्डिंग सुनी है, जो हमारे प्रोड्यूसर है रंजीत शर्मा जी का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो खुद पिस गए हैं। बाकी के लोगों की टीम के मैं नहीं जानती, क्योंकि उस लड़की ने राकेश जैन से ये कहा कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं मीडिया के सामने सचिंदर शर्मा को निर्दोष बोलूं और मैं बोलूं कि मैंने ड्रिंक करके आई एम सो सॉरी मैंने सचिंदर को थप्पड़ मार दिया, तो इन पे से वो इल्जाम हट जाएगा, लेकिन उसके बदले में मुझे दो मोबाइल गिफ्ट चाहिए और सेकेंड मुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना पड़ेगा राकेश जैन को। ये कहा का इंसाफ है? फिर भी हम लोगों ने कहा चलो एक बार देखें ये हद कहां तक गिर सकती है। हमारे प्रोड्यूसर बहुत परेशान थे, वो मतलब उनकी परेशानी इतनी जितना हम परेशान है हमारे प्रोड्यूसर ही परेशान थे, उनका इस सीन में उनका कोई हाथ नहीं, बाकी किसका क्या हाथ है वो मुझे नहीं पता। जब राखी सावंत जो हमारी प्यारो है, क्या नाम उसका, पारुल चावला, हाँ पारुल चावला का मैंने खुद रिकॉर्डिंग करी है। पारुल चावला के ऑफिस में ये मनीषा आती है और जो भी हमारे प्रोड्यूसर की टीम आती है, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर नहीं चाहते किसी तरह करके कॉम्प्रोमाइज हो और सचिंदर जी पे लगा हुआ इल्जाम हट जाए, लेकिन हम लोग सस्त है, हम लोग क्यों हार मानेंगे। पारुल चावला ने खुद बोला है, खुद रिकॉर्डिंग है कि यार तुम यहाँ पे आ जाओ और मनीषा यहाँ पे बैठी है और ऑलरेडी हमारे वकील ने एक लेटर तैयार कर दिया था सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि उनकी हद कहाँ तक गिर सकती है। और फिर वहां पे सब लोग बैठे हुए, उसने खुद पारुल चावला ने मुझे बोला कि ये मेरा एड्रेस है और यहाँ पे आ जाओ, हम लोग समझौता करवा देते हैं। अरे ये क्या सीन है, मतलब आप मीडिया में रहते हो, पारुल चावला भी बोलते, आप मीडिया में रहते हो, आप काम करते हो और खुद ही सारा प्लान भी करते हो, तो ये तो इंसाफ नहीं ना। हमने इतनी मेहनत करी, हमने भाभी जी ने मिलकर के इतनी मेहनत करी, हम लोगों ने कितने धक्के खाए, क्या क्या किया, तब जाकर के आज सचिंदर शर्मा जी को सब कुछ क्लियर हो गया कि सारा झूठा इल्जाम। हमारे वहां पे जज खुद हंस रही थी कि ये क्या सीन है, राखी सावंत को अगर पब्लिसिटी चाहिए तो कोई और बंदा करे, मतलब घर में गुंडे मारेगी वो किसी को मरवाने के लिए, आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, तो आप मीडिया लोग आप खुद समझ सकते हो कि क्या सच है और क्या झूठ है। स्टेप कुछ नहीं करना है कि जो ये राखी सावंत ने जो भी ये कानूनी जो भी होगा भी कानूनी कार्रवाई होगा। और हमने ये भी बोला कि अगर राखी सावंत पूरी मीडिया के सामने से कि हमने उसमें 5 करोड़ का दावा कर रहे हैं, हम लोग 5 करोड़ का दावा, क्योंकि उसने सचिंदर शर्मा जी ने पूरा झूठा इल्जाम लगाया,
अगर वो मीडिया के सामने आकर आकर के सचिंदर जी का पैर पकड़ के माफी मांगती है कि आई एम सो सॉरी सचिंदर जी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी और मनीषा ने मुझसे झूठ बोला था और माफी मांगती है, तो हम उसको माफ कर देंगे, अपना केस वापस सिर्फ और सिर्फ एक रुपए में केस वापस लेंगे। नहीं होगा तो ठीक है, कैसे नहीं करेगी राकेश सर? अगर वो भी इंसान है तो हम भी इंसान, नहीं करेगी पड़ के धक्के खाएगी वो, मनोबल बढ़ाया गया उसका। एक सेकंड आप बात करें, अभी आप लोग आप ही लोग बोलो राकेश ऐसा करें, राकेश को लूनी परी नहीं है और कोई वो मतलब वो बन के नहीं आई कि हमेशा जिंदा रहेगी, वो मरने वाली नहीं है, बट जो गलत है गलत कानून के सामने तुझे करना ही पड़ेगा, वरना धक्के खाएगी कानून की, वो जो गलत है तो गलत है ना। अगर समय रहते उसके ऊपर अंकुश लगाया गया होता जैसा कि उसने समय समय पे समय रहते जैसे उसने बार बार स्टंट पब्लिसिटी पाने के लिए दुनिया भर के बहाने बनाए, इस प्रकार वो मीडिया में छाई रही, तो अगर समय रहते उसके ऊपर अगर अंकुश लगाया गया तो शायद आज ये दिन नहीं देखना होता। और जो 354 जो बनाया गया है ये रियल में इसलिए बनाया गया कि वाकई में जो महिलाएं पीड़ित है जिनको तकलीफ है उनके प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, लेकिन आज एक इस प्रकार से जो लोग इसको मिसयूज करना चाह रहे हैं तो इससे अगर मिसयूज होगा तो ये जो कानून बनाया गया है 354 ये अपने आप में से इसको निकाल दिया जाएगा। जब इस 354 को निकाल दिया जाएगा तो जो वाकई में महिलाओं के साथ जो तकलीफ होती है फिर उनकी सुनवाई 354 के तहत हो नहीं सकती, क्योंकि मिसयूज किया जा रहा है, मिसयूज के नाम पे फिर एक्सटॉर्शन वगैरह की भी बातें शुरू हो रही है। और ये पहला ही केस नहीं है राखी सावंत का, इसके पहले भी मैंने काफी केस हैंडल किए हैं, तो जिसके तहत मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि 354 का एक बहाना होता है, उसके पीछे कुछ कर और दिखाना होता है। इसके बाद में सारे भी मीडिया से और हमारे फिल्म लाइन के जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह के पब्लिसिटी पाने के लिए जो भी लड़कियां हैं इस तरह के हथकंडे अपनाती है प्लीज उन्हें बैन किया जाए, उनको काम पे ना लिया जाए, किसी भी तरीके से उनको अपनी टीम में शामिल ना किया जाए, किसी को भी तकलीफ हो सकती है। मेरी लड़ाई किसी इंडिविजुअल एक इंसान से नहीं है, मेरी लड़ाई हर उस इंसान से है जो इस प्रकरण में शामिल था, न कि इंडिविजुअली हमारे कोई रंजीत शर्मा जी हो या राकेश जैन जी हो या कोई भी हो, मेरी लड़ाई सिर्फ उससे है जो इस कांड में शामिल था। आज मेरे पास अगर सीसीटीवी आज सचिंद्र शर्मा जी के पास अगर सीसीटीवी का फुटेज नहीं होता तो आज की डेट में ये पूरे समाज में कहे जाते कि इन्होंने मनीषा कुमारी के साथ गलत किया है, क्योंकि इसका जो सबूत जो है इसकी जो सच्चाई है एक्विटल है डिस्चार्ज जो कुछ भी कन्विक्शन है ये 8-10 साल के बाद परिणाम आता कोर्ट से। हमको राखी सावंत, राखी सावंत का कास्ट क्यों किया इसमें, राखी सावंत मैं बोला ना आपको फिर भी एज एन एक्ट्रेस एज एन डांसर जो कैरेक्टर था राखी सावंत कर सकती थी और बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसकी मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन ये जो हादसा है ये फिल्म से अलग है। सर लैंडलाइट के लिए होता तो फिर मैं ये नहीं होता ना कोर्ट पे जाता, बोला ना ये इज्जत की बात थी, फिल्म अपनी जगह है, सबसे पहले फिल्म होती है उसके बाद आर्टिस्ट होता है सर, आर्टिस्ट से बड़ा फिल्म नहीं होता, फिल्म से बड़ा आर्टिस्ट नहीं होता है, पीके है आमिर खान नहीं है पीके है, जंजीर है तो अमिताभ बच्चन है, तो फिल्म चलेगी तो राखी सावंत चलेगी, राखी सावंत की वजह से मुंबई के डांसरों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज अगर वो राखी सावंत बोलते पब्लिक में जाके कि मुंबई के डांस वाला मत देखो तो क्या पब्लिक नहीं देखेगी? राखी सावंत को अगर यही करना तो बोले राखी सावंत मुंबई के डांस वाला मत देखो मेरा रोल काट दिया, पिक्चर चलनी नहीं चलनी, आर्टिस्ट सिनेमा आर्टिस्ट को बनाता है, आर्टिस्ट सिनेमा नहीं बनाता सर, जंजीर ने अमिताभ बच्चन साहब को बनाया, दीवार ने अमिताभ बच्चन साहब को बनाया, प्रकाश मेहरा जी ने नहीं बनाया, प्रकाश मेहरा जी ने दीवार बनाई जंजीर बनाई, यश चोपड़ा जी ने दीवार बनाई, अमिताभ बच्चन बनते गए। तो आप अच्छे ईमानदारी से फिल्म में काम कीजिए, अच्छे ईमानदारी से अपना काम कीजिए, हर आदमी अपना अपना काम करे, कंट्रोवर्सी की जरूरत ही नहीं है सर, अच्छी फिल्म बनेगी चलेगी, लेकिन किसी किसी को आदत है भूख है कि मुझे आना है मेरा कम बैक हो रहा है या मुझे कुछ करके आए, मैं इस चीज पर बिलीव ही नहीं करता। पूरी फिल्म बन गई, मीडिया के लोग बार बार शूटिंग के दौरान आते रहे, वसीम भाई बुलाते रहे और भी अराउंड बुलाते रहे, मैंने कभी मीडिया को ज्यादा इंटरव्यू देने की कोशिश नहीं की। माई फ्रेंड गणेशा हिट पिक्चर है बच्चों की, मैं चाहता था पीआरओ पकड़ के रिपोर्टर पकड़ के अपनी इंटरव्यू छपवाता, कभी आपने सुना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट बन गई, लेकिन अब मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट शबनम मौसी मैंने लिखी थी, कंट्रोवर्सियल सब्जेक्ट थी, जम्मू में अनारा गुप्ता का कांड हुआ था वो मैंने लिखी थी, तो कंट्रोवर्सी जहां आती है तो वो सब्जेक्ट भी राइटर में हो जाता था, अब इस कंट्रोवर्सी पे एक फिल्म बनानी है मुझे। नाम क्या है अगली पिक्चर जो है सबकी बचेगी, अब राखी सावंत नहीं होगी
राखी सावंत के लिए ढूंढा जाएगा फिर नहीं, राखी सावंत नहीं होगी, लेकिन राखी का कैरेक्टर करने के लिए बहुत अच्छी एक्ट्रेस जरूर मिलेगी। टाइटल होगा सबकी बचेगी। नहीं नहीं नहीं, टाइटल होगा सबकी बचेगी। नाम तो बताओ, पूरी फिल्म का नाम क्या है? बता तो रहे राखी सावंत जैसी लड़कियों बनाई जाए।